नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आप लोगों का इस अन अकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, यह सिंबल है और यह आज मुझे दिया गया है और इसको पहनना भी अनिवार्य है, लेकिन मैं भी काला हूं और यह काला टी शर्ट है, व्हाइट रहता तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता। खैर, जो भी हो, यह अकेडमी का अपना नियम है। हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे वह बिंदुसार की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आप लोग अच्छी तरीका से उस वीडियो को देखा भी होगा और उसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह आप लोगों को याद भी हो गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है चंद्रगुप्त मौर्य से, वह आपको याद हो गया होगा। हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के लिए गद्दी को त्याग देते हैं और कर्नाटक चले जाते हैं। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आप यहां देखिए बिंदुसार। यह बिंदुसार आते हैं 298 बीसी से 273 बीसी। यही बिंदुसार जो है वह शासक बनते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। तो योग्य पिता का योग्य पुत्र कैसे था? इसलिए था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और बिंदुसार को सौंप दिया था, बिंदुसार ने उसको बचाते हुए अपने पुत्र अशोक को सौंप दिया था। तो एक तरह से यह योग्य पिता के योग्य पुत्र और योग्य पुत्र के योग्य पिता भी थे। जैसे कहा जाता है ना, साधारण बोलचाल में आप समझिए, हम हो या आप हो, हम लोगों के पिताजी जो हैं, पापा जो हैं, और कोई कार्य संपन्न कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं और वह आपको सौंपते हैं, हमको सौंपते हैं कि अब तुम इसकी देखभाल करो और आप उसकी देखभाल करते हैं, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं या उस कार्य को आगे ले जाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने पिता के योग्य पुत्र हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अगर उसको बढ़ाते नहीं हैं तो कम से कम उसको सुरक्षित रखते हुए अपने पुत्र को सौंप देते हैं, तब भी आप योग्य की श्रेणी में शामिल होते हैं। वही बात यहां पर बिंदुसार के साथ लागू होता है, क्योंकि यह वैसा काल था जिस समय बहुत अधिक षड्यंत्र रचा जाता था, हेलना थी और वह षड्यंत्रकारी महिला थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है, बिंदुसार के बारे में, कि 320 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। देखिए, भिन्न भिन्न किताबों में अलग अलग मिलता है। तो अभी तक मौर्य वंश के शासक के जन्म के बारे में जो है वह नहीं पूछा गया है, फिर भी 320 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और दुर्धरा यह नाम है। मां का नाम यही दिया गया है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और इन्हीं के पुत्र जो है वह बिंदुसार थे।
बिंदुसार जब बड़े होते हैं तो पिता इनको अपनी राज्य जो है वह सौंप देते हैं और धर्मा नाम आता है। धर्मा इन्हीं के साथ इनका विवाह जो है वह संपन्न किया जाता है। साथियों, धर्मा को सुभद्रांगिनी के नाम से भी संबोधित किया गया है और वही सुभद्रांगिनी या धर्मा अशोक की मां के रूप में विख्यात जो है वह हो जाती है। यह पिंगल वत्स नाम आता है। पिंगल वत्स, यहां देखिए, पिंगल वत्स या इनके धार्मिक गुरु के रूप में स्थापित है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे, आप लोगों को याद होगा। आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं, भद्र बाहु। उसी तरह से बिंदुसार के गुरु जो थे वह पिंगल वत्स को माना गया है। बिंदुसार गद्दी पर आ गए और इनके राज दरबार में, जैसे कौटिल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे तो इनके राज दरबार में भी रहते थे, उनका सानिध्य इनको प्राप्त था। राधा गुप्त भी बिंदुसार के दरबार में रहते थे। खट्टालक का नाम आता है, वह भी बिंदुसार के दरबार में रहते थे। हम लोग पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नामकरण के बारे में, तो यहां से भी नामकरण से एक प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। उसी प्रश्न के लिए हम लोग यहाँ नामकरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि बिंदुसार को किस किस नाम से संबोधित किया गया है और परीक्षा में आपको क्या पूछा जाता है। तो साथियों, आप यहां देखिए, बिंदुसार, और यहां मैं लिख रहा हूं नामकरण, जैसे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में लिखा था। अब यहां पर पुराण की हम लोग बात करें, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पुराण, तो यहां भद्रसार, भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को पुराण में या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में। जैन ग्रंथ सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन यह प्रचलित नाम था। यूनानी लोग, यूनानी न देकर के अस्ट्रेबो भी दे सकता है, अस्ट्रेबो। इसने अमित्रोचेडस, अमित्रोचेडस कहा है, चीनी विश्वकोश। चीनी विश्वकोश में बिंदुपाल, बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न नाम से इनको संबोधित किया है, या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम से बिंदुसार को संबोधित कर दिया है। मैंने कहा कि एक पॉइंट यहां निकल करके आता है और उस पॉइंट को हम लोगों को याद रखना है, और वह पॉइंट क्या है, अमित्र
घात। तो हम लोगों को यही याद रखना है, इसका सबसे लोकप्रिय नाम था, बिंदुसार का सबसे लोकप्रिय नाम अमित्रघात था। किसको इतिहास में अमित्रघात कहा जाता है बताइए? बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात के नाम से संबोधित किया गया है। शत्रुओं का विनाशक इसका होता है अर्थ, संहार करने वाला इसका अर्थ होता है। और यही हम लोगों को सबसे पहले जो है वह याद रखना है, अमित्रघात। और यह अमित्रघात किससे मिलता जुलता है? तो इससे, अमित्रोच्छेदस से। अमित्रोच्छेदस को अगर संस्कृत में तब्दील करेंगे तो अमित्रघात जो है वह निकल करके सामने आ जाएगा। कहने का मतलब चार पांच यह नाम जो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले किसको याद रखना है? अमित्रघात को। और यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, देखिएगा नामकरण से एक प्रश्न यहां निकल करके सामने आ गया। अब बिंदुसार के बारे में कुछ अन्य ग्रंथ में या कुछ अन्य विद्वानों ने क्या कहा है उसकी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप यहां देखेंगे राज तरंगिणी, मैंने पहले भी चर्चा किया था, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। आप लोगों का आंसर जो है बहुत लोगों का सही आएगा, यह हमको विश्वास है। और राज तरंगिणी का लेखक है कल्हण, यह है कल्हण की राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने, अशोक के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, पहले सुसीम को भेजा गया लेकिन उसी के चलते वहां विद्रोह हो गया, फिर अशोक को भेजा गया। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों का यहां पर निकल कर आ रहा है जो याद रखना है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछेगा किसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा सके, लोग और गुस्से में आ गए तो अशोक को भेजा जाता है। और अशोक जब वहां पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहां की प्रजा का यही कहना था कि हम लोगों को राजा से कोई शिकायत नहीं है, बिंदुसार महाराज से कोई शिकायत नहीं है, हम लोगों को आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, राजकुमार अशोक से भी कोई शिकायत नहीं है, हम लोगों को शिकायत है जो यहाँ पर नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी हैं वह हम लोगों पर अत्याचार करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने विद्रोह किया। अशोक ने अपनी योग्यता को वहां पर साबित किया था, राजकुमार थे उस समय, और तक्षशिला के विद्रोह को कुचल दिया गया। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? राज तरंगिणी में। लामा तारानाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तिब्बती इतिहासकार थे, यहां पर मैं लिख रहा हूं लामा तारानाथ। लामा का मतलब होता है धर्म गुरु। लामा तारानाथ का कहना है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीत लिया था और इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन यह विवादित बात है कि 16 राज्यों को इसने जीता या नहीं जीता। यह सभी लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस क्षेत्र को जीता था उसको यह निश्चित रूप से
अक्षुण बना करके रखा था, उसमें से एक इंच जमीन जो है, भूमि जो है, इधर उधर नहीं गया था, और वह पूर्ण रूप से अपने योग्य पुत्र अशोक को सौंप दिया था। तो अभी तक साथियों कितना पॉइंट आपको याद करने के लिए बोला गया? एक बोला गया कि अमित्र घात किसको कहते हैं, तो बिंदुसार को। दूसरा बोला गया कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और अशोक ने उसको दबा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग विदेश नीति की यहां पर चर्चा करेंगे, जहां से दो पॉइंट आता है और वह दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। जैसे मौर्यों के साथ विदेशी संबंध की स्थापना, वह तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो गया और इस विदेश नीति को आगे बढ़ाया गया बिंदुसार के समय में। अब यहां पर नाम आएगा, वह नाम आप यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं एंटियोकस। एंटियोकस यह यूनान का शासक है और बिंदुसार ने एंटियोकस से अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? कि सूखा अंजीर, मीठा मदिरा और एक दार्शनिक मेरे यहां भेज दीजिए। तीन मांग किया था। सूखा अंजीर जो फल होता है, मदिरा आप समझ ही रहे हैं, और एक दार्शनिक जो है वह भेज दिया जाए मेरे यहां। यह एंटियोकस जो है सूखा अंजीर और दार्शनिक को भेज, सूखा अंजीर और मीठा मदिरा को भेज दिए, दार्शनिक नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि यूनान की कानून इसकी इजाजत, यूनान की विधि जो है इसकी इजाजत नहीं देती थी। इसीलिए उन्होंने असमर्थता जताया कि मैं यूनान की कानून का पालन करता हूं और दार्शनिक आपके पास जो है वह नहीं भेज सकता। तो यह तो कहानी हो गया। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा यह आपको जानना है। तो परीक्षा में प्रश्न साथियों ऐसे पूछेगा कि बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस शासक से मीठा मदिरा, सूखा अंजीर या दार्शनिक की मांग किया था? तो किससे किया? एंटियोकस से किया। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बन जाता है, जो परीक्षा में पूछ दिया गया है कि यह एंटियोकस जिसका मित्रवत संबंध बिंदुसार के साथ था, कहां का शासक था? तो कहां का शासक था यह, जल्दी बताइए, शासक कहां का था? यूनान का। यूनान, यूनानी शासक था। यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, तो कभी यूनान दिया जाएगा विकल्प में, कभी ग्रीक दिया जाएगा, दोनों विकल्प जो है सही है, लेकिन अधिकांश बार यह दोनों विकल्प नहीं दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? कहां का शासक था? तो सीरिया का शासक था। सीरिया दे देगा विकल्प में, या हम लोगों को चकमा देने का प्रयास किया जाएगा कि आप केवल यूनान और ग्रीक जान रहे हैं और विकल्प सीरिया दिया जाएगा या दोनों को गायब कर दिया जाएगा। तो क्यों सीरिया दिया जाएगा? या यूनान के शासक थे या ग्रीक के शासक थे, लेकिन इन्होंने सीरिया पर भी नियंत्रण कर लिया था और वहां के भी यह राजा बन गए थे, इसीलिए विकल्प में यह न दे करके क्या दिया जाता है? सीरिया दिया जाता है। तो दो पॉइंट यहां एंटियोकस से बन रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि सेलुकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जल्दी से याद कराना है हमको परीक्षा।
परीक्षा में पास भी कराना है, मेघासनिज को भेजा था। और इसने भी अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और वह राजदूत का नाम था डाइमेकस। डाइमेकस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पूछा जाएगा परीक्षा में डाइमेकस को किसने बिंदुसार के दरबार में भेजा, एंटियोकस ने या डाइमेकस किसका राजदूत था, सीरिया या यूनान या ग्रीक के शासक एंटियोकस का राजदूत था। अब इसमें ज्यादा कठिन किया जाएगा तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जब कठिन करेगा तब, लेकिन वह आपको आसान लगेगा, पहले से पढ़े अगर होंगे तो और आसान हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि मेघासनिज का उत्तराधिकारी कौन था, तो मेघासनिज का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, डाइमेकस हो जाएगा। अब आपको एंटियोकस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बात समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। तो एंटियोकस से सूखा अंजीर, मीठा मदिरा और दार्शनिक की मांग किया गया था, या यूनान या ग्रीक या सीरिया का शासक था, इसने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा और डाइमेकस को मेघासनिज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब हम कह रहे हैं कि यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि बिंदुसार का संबंध एक और विदेशी शासक से था और उसने भी अपना राजदूत भेजा था, इसलिए जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो दोनों का नाम विकल्प में दे दिया जाता है कि हम और आप कंफ्यूजन में पड़ जाए और वहां परीक्षा का जो प्रेशर रहता है उसके चलते गलती कर दें। गलती किसी कीमत पर नहीं करना है और आंसर बिल्कुल सही दे करके परीक्षा से आना है। अब यह शासक जो थे इनका नाम है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस यही नाम है। तो कभी टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस भी दे सकता है अलग अलग करके, यह आपको ध्यान देना है। और यह कहां के शासक थे, मिस्र के, यह मिस्र के शासक थे एंटियोकस यूनान के शासक, और यह मिस्र के शासक, इनके साथ भी बिंदुसार का मित्रवत संबंध था, और टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, इसीलिए जानबूझ करके यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग अनजाने में गलती कर दें। उसका नाम देखिए मिलता जुलता है, डायनोसियस। डायनोसियस, यह डायनोसियस आप देखिए और यह डाइमेकस आप देखिए, दोनों का नाम जो है वह मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अब आपका कंफ्यूजन जो है यहाँ दूर हो गया होगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा। तो यह विदेश नीति से संबंधित बिंदुसार के समय में महत्वपूर्ण बात है, बिंदुसार से संक्षिप्त तथ्य है साथियों। और इसके बाद बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार जो है यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं, या मैं लिख रहा हूं आजीवक।
आजीवक का मतलब होता है भाग्यवादी। आजीवक संप्रदाय, भाग्यवादी संप्रदाय। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे, या तो हर तरह की परीक्षा में पूछ दिया है, यह नहीं पूछा है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे। यह जरूर पूछा है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मैं यहां लिख रहा हूं मखली गोसाल। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था, यह तो आपको हर हाल में याद रखना होगा। मखली गोसाल जो थे वह महावीर स्वामी के मित्र थे और जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के भिक्षु थे। लेकिन जैन धर्म जो है वह कर्म पर ज्यादा जोर देता है, कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य पर नहीं करता है। लेकिन यह मखली गोसाल जो थे यह भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते थे, भाग्यवादी थे। इसी वैचारिक मतभेद को लेकर के दोनों लोग अलग हो गए। मखली गोसाल जैन धर्म से अलग हुए और एक नए संप्रदाय की स्थापना कर लिया, जिसको इतिहास में आजीवक संप्रदाय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो साथियों, बिंदुसार से संबंधित यही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इसी में से प्रश्न निकाल करके बिंदुसार से पूछ लिया जाएगा। बिंदुसार के बाद जिस शासक के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है वह महान शासक की श्रेणी में शामिल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी में से सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है संग्रहित कर दिया गया है। और आप बैठेंगे परीक्षा में और बिंदुसार से अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो देखिएगा इसी तथ्य में से निकल करके सामने आ जाएगा। अब बारी आती है अपनी बात कहने के लिए, जो अनअकैडमी के तरफ से भी कहा जाता है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए। आपको अधिक से अधिक जो है वह लाभ यहां पर दिया जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं अब इसके बाद जिस शासक की चर्चा करूंगा, जिस शासक के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में आप लोग भी कुछ ना कुछ या बहुत कुछ जानते होंगे और उससे तो परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। और उस व्यक्ति का नाम है, उस शासक का नाम है अशोक महान। अशोक महान, दू सौ तिहत्तर या 269 से 232 बीसी, यही अशोक का काल है। मैंने यह दो काल लिखा, 273 भी लिखा और 269 भी लिखा। 4 साल का लगभग इसमें अंतराल है। क्यों अंतराल है तो वह हम लोग जान ले। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम है महावंश। महावंश, महावंश के अनुसार बौद्ध ग्रंथ
महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। चंडा अशोक कहा जाता था इसको, चंडा अशोक, चंडा मैंने चंडाल। तो 99 भाइयों की हत्या किया, उसके बाद गद्दी को प्राप्त करता है, उसके बाद विधिवत राज्याभिषेक जो है वह संपन्न कराता है। और इसी 99 भाइयों की हत्या के क्रम में कितने साल व्यतीत हो जाते हैं, तो यहाँ 4 साल जो है वह व्यतीत हो जाता है। इसलिए पुस्तक में दिया हुआ 273 भी सही है और यह 269 भी सही है, लेकिन इसका कार्य जो माना जाता है तो यहां से माना जाता है 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। तो हम लोगों को यही मानना है क्योंकि इसी समय इसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। कहानी है, कुछ विवादित बात भी है। माना गया है कि अशोक की जो माँ धर्मा थी उनका षड्यंत्र रच करके हत्या कर दिया गया था इनके सौतेले भाइयों के द्वारा, तो उसी का यह बदला लेते हैं और 99 सौतेले भाइयों की इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है और तब विधिवत रूप से गद्दी को प्राप्त करते हैं। तो यह काल में जो आप अंतर देख रहे हैं वह आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अशोक से हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे। यहां पर प्रारंभिक जीवन, अशोक के प्रारंभिक जीवन यह शामिल करेंगे। यहां पर नामकरण यह शामिल करेंगे, कलिंग युद्ध धार्मिक नीति इतना पॉइंट जो है वह शामिल किया जाएगा। तो अशोक का यहां प्रारंभिक जीवन अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा इसका चर्चा जो है वह करना होगा। प्रारंभिक जीवन में अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और धम्मा, धम्मा कहते हैं धम्मा या धर्मा या सुभद्रांगिनी, इसी के पुत्र थे अशोक। प्रारंभिक काल में यह क्रोधी स्वभाव के थे, चंडाल स्वभाव के थे, हठी स्वभाव के थे, इसीलिए इनको चंडाशोक के नाम से संबोधित किया गया है। बौद्ध धर्म कहता है कि जब यह मेरे धर्म के प्रभाव में आया तो चंडाल अशोक से यह महान अशोक के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए, जब बिंदुसार का शासन था तो अशोक को उज्जैन का प्रशासक बनाया गया था। उज्जैन जाने के क्रम में अशोक जो है यह विदिशा में रुके, विदिशा को बेस नगर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है यह, और यहीं पर गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। विदिशा में रुके और विदिशा में ही देवी के साथ विवाह किया अशोक ने, और इस देवी के 2 संतान थे, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा के बारे में आप लोग जानते होंगे। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था बोधि वृक्ष के साथ, और इनकी माँ का नाम जो है वह देवी है। कारुवाकी और तिसरक्षिता भी अशोक की पत्नी का नाम था। कारुवाकी कारुवाकी इनके पुत्र का नाम तीवर था, और तीवर का उल्लेख अभिलेख में किया गया है। कौशाम्बी के अभिलेख में जो आगे चल करके इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना गया, उसी में कारुवाकी का उल्लेख तीवर के माता के रूप में कर दिया गया है। तो यह प्रारंभिक जीवन है अशोक का। स्पष्ट किया गया है कि अशोक ने कई अवसर पर अपनी योग्यता को साबित किया था। हम लोग अभी चर्चा किए कहां के विद्रोह को अशोक ने राजकुमार रहते हुए दबा दिया था, बोलिए, तक्षशिला के विद्रोह को इन्होंने दबाया था और अपनी योग्यता जो है वहां पर साबित कर दिया था। शासक बनने के पहले अशोक ने नेपाल को भी विजित कर लिया था। नेपाल के साथ साथ खस यह जगह है, नेपाल की तराई के पास का क्षेत्र जो था, इसको भी विजित कर लिया। और अशोक ने नेपाल में मंदिर का निर्माण कराया, ललित पतन नाम है इसकी पुत्री चारुमती थी, चारुमती जिसने देवपतन नामक मंदिर का निर्माण जो है वह कराया था। यह सर्वविदित है और आप लोग विविध तथ्य के अनुसार जानते होंगे कि अशोक ने ही झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नए शहर की स्थापना किया था। वही श्रीनगर जिसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है, वही कश्मीर जिसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है, और उस श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति शासक नहीं बना हो और इतने कार्य को संपन्न कर दिया हो, माना जाएगा कि उसमें विलक्षण प्रतिभा था, वह प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, और योग्य नहीं योग्यतम की श्रेणी में उसको शामिल किया गया है। गिने चुने विश्व में महान शासक हैं, जिसमें भारत के भी दो शासक शामिल किए जाते हैं, प्राचीन काल से अशोक का, मध्य काल से अकबर का नाम जो है लिया जाता है, और यह लोग महान शासक थे। तो यहां से प्रश्न बन जाता है, आपको कुछ ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसके सभी विकल्प सही होते हैं, और उस विकल्प में आपको सर्वोत्तम विकल्प जो है वह ढूंढना होता है। तो परीक्षा में पूछा गया है कि अशोक को महान क्यों कहा गया है। पहला विकल्प है उसकी धार्मिक नीति को लेकर, दूसरा विकल्प है साम्राज्य विस्तार को लेकर, तीसरा विकल्प है कुशल प्रशासक के लिए महान कहा गया, चौथा विकल्प है विश्व बंधुत्व के लिए या भाईचारे का संदेश देने के लिए इसको महान कहा गया। तो आंसर क्या होगा? सभी सही है, चौथा आंसर हो जाएगा, अशोक को महान विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए या भाईचारे का संदेश देने के लिए महान शासक कहा गया है। यही प्रारंभिक जो है वह अशोक से संबंधित, प्रारंभिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर फिर आ रहा है नामकरण। नामकरण पीछा यहां नहीं छोड़ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य में भी नामकरण हम लोग देखे थे, सेंड्रोकोटस याद करना था,
बिंदुसार के समय में भी नामकरण देखे थे, अमित्र घात याद रखना था, अब अशोक के समय में भी एक नाम जो है वह याद रखना होगा, एक एक दो क्षेत्र का नाम जो है वह याद रखना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें प्रारंभिक बात है या बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है, और इसके बाद मैं नामकरण के बारे में चर्चा यहां पर करूंगा। नामकरण अशोक को भी कई नामों से इतिहास में संबोधित कर दिया गया है, जैसे यहां पुराण की बात करें, पुराण तो अशोक वर्धन, अशोक वर्धन कहा गया है इसको, और यहां पर गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख की बात किया जाए तो अशोक मौर्य, अशोक मौर्य कहा गया है किसमें, तो गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कह करके संबोधित किया गया है। तीसरा भाब्रु, यह राजस्थान में है, भाब्रु शिलालेख, यह गुजरात में है, भाब्रु शिलालेख में अशोक को मगध का शासक कहा गया है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां अंतर आ रहा है, पुराण अशोक वर्धन कहता है, गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कह दिया गया, भाब्रु शिलालेख में मगध का शासक कह दिया गया, लेकिन अशोक को किस अभिलेख में अशोक कहा गया है, तो यहां पर आप देखिए मासिकी, और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा, गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया। यह अशोक कह दिया गया है। यही दो परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया, तो मास्की और गुर्जरा, मास्की मिला यह कर्नाटक में है, गुर्जरा जो है वह मध्य प्रदेश में है। इस अभिलेख को आप पढ़ेंगे जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, तो अशोक को अशोक कह करके संबोधित किया गया है। आप जानते हैं सब लोग कि इतिहास में या पुरातात्विक विभाग में हमेशा रिसर्च होते रहता है, खुदाई का कार्य चलते रहता है, जो हम लोगों के धरोहर है, जो अब नष्ट होने के कगार पर है, उसका अनुसंधान किया जाता है। तो दो और स्थल जो है यहाँ प्राप्त हो गए, जैसे देखिए गुर्जरा मास्की के साथ नेट्टूर और उदे गेलाम, यह जगह का नाम है गुर्जरा मास्की नेट्टूर उदे गेलाम, इस अभिलेख में भी यही नाम जो है वह दिया गया है। तो अब कितना जगह से मिल गया, तो चार जगह से, यूपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में तो ये चारों का नाम दिया हुआ है। अगर चारों नाम दे देगा तो चारों यह सही है,
नहीं तो दो हमेशा पूछा जाता है गुर्जरा मास की। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि गुर्जरा मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है, तो यह दोनों कहाँ है? तो यह तीनों जो है ना, यह कर्नाटक में है। एकमात्र यह जो है वह मध्य प्रदेश में है। अब स्पष्ट हो गया होगा, तो यह आप याद रखिएगा। भाबरू शिलालेख भी याद रखा जाता है कि भाबरू शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया? मगध का शासक कहा गया। साथियों, अशोक ने स्वयं यहां पर दो उपाधि धारण किया था। एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा आपको, दो उपाधि धारण किया था। और वह उपाधि क्या था यहां पर देखिए, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। अधिकांश अभिलेख में अशोक इसी से शुरू करता है कि प्रियदर्शी ने इस कार्य को संपन्न किया। देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रिय ने इस कल्याणकारी योजना को चालू किया, लागू किया। तो दो उपाधि धारण किया, और अधिकांश में यही दो शब्द जो आप देख रहे हैं, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी का प्रयोग जो है वह किया गया है। तो नामकरण से अशोक का यही संबंधित तथ्य जो है वह निकल करके सामने आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गुर्जरा मास्की नेटूर उदय गुलाम पहले याद रखिए, उसके बाद भाबरू शिलालेख भी आपको याद रखना है। यही महत्वपूर्ण बात जो है अशोक से, अशोक के नामकरण से निकल करके सामने आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ लिया? प्रारंभिक जीवन पढ़ लिया, नामकरण पढ़ लिया, अब अशोक में कलिंग का युद्ध जो है वह निकल करके सामने आता है। तो हम लोग अब कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध 261 BC, इसी समय हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग नामक क्षेत्र की वर्तमान में पहचान जो किया जाता है वह कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। और उस समय यह कलिंग जो है, कलिंग की राजधानी तोसली था, तोसली, इसी को राजधानी बना करके शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। अब अशोक जो है कलिंग पर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में आक्रमण कर देता है। तो विद्वानों ने इस आक्रमण के पीछे कई कारणों का हवाला दिया है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट देखना होगा, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि आखिर में क्यों कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो आप यहां देखिए, कलिंग युद्ध का कारण क्या था? कारण मैं यहां लिख रहा हूं, समुद्र तक पहुंच बनाना। साम्राज्य विस्तार हाथी प्राप्त करने के लिए,
नागा जाति को दंडित करने के लिए या एनसीईआरटी में यह पॉइंट मिल जाएगा आपको, पढ़िएगा एनसीईआरटी का जो पहले निकलता था वर्ल्ड एडिशन जो है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें यह लिखा हुआ है समुद्र तक पहुंच बनाना, साम्राज्य विस्तार, हाथी प्राप्त करने के लिए, नागा जाति को दंडित करने के लिए यह अभियान किया गया था। देखिए मगध जो है, मगध की स्थापना हुआ, मगध का क्षेत्र विस्तारित हो रहा था, लेकिन समुद्र तक पहुंच जो है अभी नहीं बना था। तो समुद्र तक पहुंच बनाना चाहता था, समुद्र तक पहुंच बनाना चाहता था, वह भी पूरब के क्षेत्र में। दक्षिण भारत में तो कर्नाटक तक था, लेकिन पूरब के क्षेत्र में समुद्र तक पहुंच बनाने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, ऐसा विद्वानों का कहना, एक वर्ग का। साम्राज्य विस्तार, अशोक का ऐसा मानना था कि इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया गया है, लेकिन बगल में ही पड़ोसी राज्य कलिंग है जिसको जीत करके नहीं मिलाया गया है, तो इसकी साम्राज्यवादी नीति का भेंट चढ़ गया कलिंग राज्य, और इसी साम्राज्य विस्तार के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद लिखे हैं हाथी प्राप्त करने के लिए, एक विद्वान का कहना है कि चूंकि हाथियों का बहुत अधिक प्रयोग युद्ध में किया जाता था, सेना में किया जाता था, और कलिंग से हाथी अधिक संख्या में आसानी से मिल सकता था, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अशोक ने हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अंतिम है नागा जाति को दंडित करने के लिए। नागा जाति लोग यहां से माणिक मुक्ता को चुरा करके लेकर चले गए थे, वही माणिक मुक्ता जब हम लोग मगध के उदय में चर्चा किए थे, जो मगध का शासक जो है वह पहनता था, इसकी मांग की गई, और जब नागाओं ने देने से इनकार कर दिया तो उन्हीं को दंडित करने के लिए अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। तो यही साथियों कारण था कलिंग पर आक्रमण करने का। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कलिंग के युद्ध से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बचता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में भी उल्लेख करेंगे, लेकिन पहले कलिंग युद्ध पढ़ लेंगे, उसके बाद अशोक की धार्मिक नीति पढ़ेंगे, और तब हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य कालीन कला के बारे में, और मौर्यों के पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है, जो हम लोगों का यह वीडियो है, यहीं पर हम लोगों का समाप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका जो है वह ले सकते हैं। विगत वीडियो में आप हमने आपसे कहा था कि मैं 4-5 प्रश्न जो है वह निश्चित रूप से आप लोगों से पूछूंगा, तो वह प्रश्न की बारी जो है अब आ गया है। इसके पहले आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था और बिंदुसार को पढ़ा था, अब यहाँ पर उसी से संबंधित मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी में देना है, तैयारी अपनी देखनी है कि मैं कहाँ तक सही जा रहा हूँ। भारत का पहला प्रश्न है, भारत का मुक्तिदाता
मुक्तिदाता, जवाब दीजिए जल्दी। मेगास्थनीज, किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया संधि में, संधि शर्त के अनुसार? आंसर आप इसका जल्दी से दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा जैन संगीति हुआ? किसने सेंड्रोकोटस कहा? तो यह कुछ प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसका राज दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया था जो संधि हुआ था? तो 500 हाथी उपहार स्वरूप अपने ससुर को 500 हाथी जो है वह दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा जैन संगीति हुआ? पहला हुआ कि दूसरा हुआ कि तीसरा हुआ? प्रथम। पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसने सेंड्रोकोटस कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा था? तो यहां मैं लिख रहा हूं जस्टिन। जस्टिन ये जो हेलना का पुत्र था जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, तो यह हेलना का पुत्र था और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह करके संबोधित किया था। तो यही हम लोगों का जो है आज का प्रश्न था। हमें आशा है कि आप लोगों ने सभी का जवाब जो है वह दिया होगा और वह सही होगा। अधिकांश विद्यार्थियों का मैं यही चाहता हूँ कि सब लोगों का सही हो। आगे आप बढ़िए, जो आप पढ़ते जा रहे हैं वह सब आपके दिमाग में बैठ जाए, परीक्षा में आप जाएं और 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही बना करके आए। बीपीएससी में जो 150 होता है आप 110 तक बना करके आए, मतलब 100 से जो है आप निश्चित रूप से ऊपर जाए और अपने रिजल्ट को जो है वह सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक कर दीजिए, कितना बार बोलेंगे लाइक करने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, वीडियो मेरा देखिए। मैं बहुत जल्द भारत के इतिहास को भी लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने। मैं बहुत जल्द ऑप्शनल पेपर इतिहास को भी लेकर के आऊंगा और बीपीएससी में जो समान अध्ययन का पेपर होता है उसकी भी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। पहले इस सीरीज को हम लोग जल्दी से जल्दी जो है वह पूरा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुभकामना।